माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, मुझे लगता है जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक ही बात सही है कि जो दिलासे मिला है वो सही वक्त पे आया है। भारत जोड़ो हो या फिर अभी आप पूरे एक राजनीति की एक अगर पूरे देश में चित्र देखें तो ऐसे जो राजनेता है जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जो सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, उन पर दबाव लाया जा रहा है। यही एक शायद षड्यंत्र होगा और इसलिए आज जो दिलासा मिला है उन्हें, राहत मिली है, वो सही है। उद्योग मंत्री ने कल जो व्हाइट पेपर दिया है, एक तरीके से अपने ही सरकार को क्लीन चिट देने की कोशिश उनकी ओर से की गई है, आप ये मुद्दा बार बार उठाते रहे। बिल्कुल, जो भी मैं कहता आया वो कल सच निकला। जो भी व्हाइट पेपर था, अगर आप देखें तो उस व्हाइट पेपर में श्वेत पत्रिका नहीं लेकिन ब्लैक पेपर है इंडस्ट्री का, क्योंकि पिछले एक साल में महाराष्ट्र से सारे इंडस्ट्रीज भाग के अन्य राज्यों में गए हैं या भेजे गए हैं। कल का जो व्हाइट पेपर हो, श्वेत पत्रिका हो, इसमें यही जाहिर होती है कि महाविकास आघाड़ी के टाइम पे जो भी काम हो रहे थे वो साफ तौर पे लोगों के सामने थे। आज जो माहौल है अलीबाबा और 40 चोरों का, वो देश में पूरे पता चला है कि महाराष्ट्र में अफरा तफरी मची हुई है। अजीत जी, औरंगजेब के नाम पर दंगे भड़काने की साजिश की गई, एक पैटर्न रचा गया, उसको डिकोड किया जा रहा है, ऐसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। मुझे लगता है जो दंगे मचाए जा रहे हैं वो मणिपुर पे बात करें तो अच्छा होगा। अगर आप देखें तो ये दंगे राजनीति के हिसाब से तो नहीं मचाए जा रहे, आप देखो तो पूरे जो देश में चित्र है आज, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ कांग्रेस जीतने वाली, बहुमत प्राप्त करेगी। और ऐसे माहौल में अगर आप देखें तो इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है भाजपा का, कि दंगे निर्माण करो, दंगों की एक राजनीति करो। मुझे लगता है देश अभी यहाँ से दूर चला गया है, देश एकता और प्यार में एक साथ आएगा। भारत को लेकर आदित्य जी धर्मांतरण का कानून महाराष्ट्र में भी लाने की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र की स्थिति है, पहले जो युवा है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। कल श्वेत पत्रिका से यही जाहिर हुआ है कि हमारे राज्य में बेरोजगारी बहुत ही एक बड़ा मसला बन चुका है और उसे पे हल लाना चाहिए। आदित्य जी एक करोड़ शेवट सही देखे तो जिस राज्य में जो मंत्रिमंडल में बैठते हैं और महिलाओं के अपमान करते हैं, महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, जो गद्दार आमदार हैं उनसे अगर आप देखें तो महिला सांसद हो, महिला नेता हो, उनके बारे में जैसी भी मन में आए वैसे बातें करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऐसे राज्य में आप क्या अपेक्षित करते हैं। और यही मैं बात कहते आया हूँ कि ये सरकार युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, पर्यावरण विरोधी है, और ये गद्दारों की सरकार महाराष्ट्र विरोधी।